बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आप लोगों को दिवाली के बाद आकर अच्छा ही लग रहा होगा क्योंकि बहुत दिन से छुट्टी, ऑनलाइन एजुकेशन। हाँ समझ में नहीं आ रही मिस, ब्रहान मुमशन ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम, और हमारी सीएनओ साहिबा है अंसारी शगुफ्ता, और मेरा नाम है दाउखरे नफीसा। हम फोर्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट की तरह ही हूँ आप लोगों की। और हमारा हमारा टॉपिक है उर्दू, और सब टॉपिक है एक घोड़ा और उसका साया। इस आवाज आ रही है ना जी? ऑल मुंबई एडेड एंड अनएडेड उर्दू प्राइमरी स्कूल, हमारे ईओ महेश पालकर साहब, और उर्दू प्राइवेट प्राइमरी स्कूल। और आप लोगों को मैंने बताया है मेरा नाम है दाउखरे नफीसा, और मैं अलकौसर उर्दू प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक घोड़ा और उसका साया। बच्चों आप लोगों को ये कौन सी तस्वीर नजर आ रही है बच्चों? शेर की तस्वीर नजर आ रही है, यानी शेर जंगल का राजा होता है। शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। दूसरी तस्वीर आपको कौन सी नजर आ रही है? वेरी गुड, शाबाश। ये है हमारा शेर, देखो इन बराबर देखना है कैसा लिखा हुआ होता है, इससे हमारी इमला नवेसी भी ठीक होती है और हमारे से कोई गलती भी नहीं होती। दूसरी पिक्चर कौन सी है? हाँ बंदर है, वेरी गुड शाबाश। और फिर उसके बाद वाली पिक्चर कौन सी है, तस्वीर कौन सी है उसके बाद वाली? जिराफ की। हाँ जिराफ, जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है और वो दरख्त के पत्ते खाते हैं, जो ऊंचाई पे होते हैं दरख्त ना, उनके पत्ते खाते हैं। और ये कौन है बच्चों? घोड़ा। ये कौन? घोड़ा है। घोड़ा। हाँ ये है लोमड़ी। लोमड़ी है, लोमड़ी लोमड़ी। हाँ घोड़ा और लोमड़ी बहुत चालाक होती है। हाँ लोमड़ी बहुत चालाक होती है, वो सब जगह देखती ही रहती है क्या मुझे अच्छी चीज मिल जाए खाने के लिए, मतलब बहुत चालाक होती है लोमड़ी। और उसके बाद घोड़ा जो है, कौन से रंग का है घोड़ा इसमें, ब्राउन, इस तस्वीर में? हाँ ब्राउन कलर, यानी चॉकलेटी कलर का है। वेरी गुड शाबाश बच्चों। इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है आप लोग? इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? एक बच्चा तो है, लेकिन बच्चे के सामने आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? बच्चे के सामने भी कुछ, हाँ साया है, मतलब बच्ची का साया है। क्या है ये? बच्ची का साया है ना। और दोपहर के वक्त साया कैसा होता है, मतलब थोड़ा बड़ा होते जाता है, जैसी जैसी सूरज चढ़ता है उसी तरह से साया भी बढ़ता जाता है। फिर एक बार सूरज जब ढलना शुरू होता है तो फिर हमारा साया भी छोटा होने लगता है, तो ये साया है। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे एक घोड़ा और उसका साया। बच्चों ये नज़म है हमारी, तो नज़म है तो हमें पहले से तरन्नुम से पढ़ना होगा। पहले मैं आप लोगों को तरन्नुम से पढ़कर सुनाऊंगी, उसके बाद एक एक मिसरे को हम मतलब समझेंगे। तो चलो मैं शुरू करती हूँ, जरा ध्यान से सुनेंगे। हाँ एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साये से भी दकता बार बार। इससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तू अहमक जिससे तू है डर रहा। जिस्म का तेरे ही तो साया है वो, कुछ दरिंदा है ना चौपाया है वो।
जिस्म रखता है ना इसके जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब, आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं, अनहुई बातों का है जिसको यकीन। भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की जात है। साया तो आंखों से आता है नजर, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। बच्चों आप लोगों को ये नज़्म कैसी लगी? बहुत अच्छी। अच्छा इस नज़्म में आप लोगों ने कोई बात ऐसा नोट की है कि ये किस चीज के किसके बारे में हो रहा है? ये नज़्म किसके बारे में लिखी गई है? घोड़े के। घोड़े के। किसके बारे के? हाँ, घोड़े के। और हाँ घोड़े के बारे में, पहले घोड़े का मालिक। हाँ ये दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, मालिक और घोड़े के दरमियान। पहले मालिक कह रहा है कि घोड़े में क्या क्या चीजों की क्या क्या ऐब है, फिर उसके बाद घोड़ा भी बता रहा है मतलब मालिक में यानी आदमी में क्या क्या होता है। तो हम अभी पहले मिसरा पढ़ेंगे। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साये से बिदकता बार बार। देखो एक घोड़ा था वो, उसमें यही ऐब था, वो बहुत अच्छा था मतलब हर चीज के लिए अच्छा था, उसका मालिक कह रहा है। लेकिन बस उसमें एक यही ऐब था कि वो अपने साये से डरता था, मतलब दोपहर में जब घोड़ा रहता था बाहर, दोपहर के वक्त साया दिखता है ना बच्चों, दोपहर के वक्त सूरज, हाँ सूरज जैसा जैसा चढ़ना शुरू होता है वैसा वैसा साया भी हमारा बढ़ना शुरू होता है। तो उसका मालिक घोड़े को क्या कह रहा है? एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साये से बिदकता, बिदकता यानी के डरता था बार बार, डरता था, क्या करता था? डरता था बार बार। अब हाँ इससे मालिक ने खफा होकर कहा, हाँ सुन तू अहमक जिससे तू है डर रहा। मालिक कह रहा है कि उसे खफा है मतलब नाराज है, खफा का खफा के मानी होते हैं नाराज होना। उसका मालिक देखो कह रहा है, आप लोग तस्वीर में भी देख रहे हैं, एक मालिक अपने घोड़े से कुछ कह रहा है, तो वो कह रहा है खफा होकर कह रहा है, सुन तू अहमक, अहमक यानी बेवकूफ, अहमक। हाँ अहमक के बाजू में देखो एक निशान है, अहमक के बाजू में एक निशान है, उसे कहते हैं फिजाइया निशान। क्या कहते हैं? फिजाइया निशान। फिजाइया निशान। फिजाइया निशान। और इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। हाँ तो उसका मुझसे खफा होके क्या कह रहा है? सुन तू अहमक यानी कि अहमक यानी बेवकूफ जिससे तू डर रहा, मतलब जिस चीज से तू डर रहा है। तो क्या कह रहा है? इससे मालिक ने खफा होकर कहा, खफा यानी नाराज हुआ घोड़े से, और कह रहा है सुन तू अहमक यानी अहमक है तू, सुन जिससे तू डर रहा। अब उसके आगे जिस्म का तेरे ही तो साया है, मतलब तेरा जिस्म जो है ना उसका साया है ना, कुछ दरिंदा भी नहीं है जिसको देख के तू डर रहा है। देखो दरिंदे की तस्वीर दिख रही है ना आप लोगों को, कुछ दरिंदा भी नहीं है जिसको तू देख रहा डर रहा है ना। चौपाया, चौपाया के मानी होते हैं चार पैर वाले, कोई भी जानवर ले लो, चाहे मतलब कुत्ता ले लो, मुर्गी ले लो, मुर्गी सॉरी तो मुर्गी तो दो पैर वाली होती है, कुत्ता ले लो या बिल्ली ले लो, चूहा ले लो, ये क्या है चौपाया मतलब चार पैर। हाँ शेर भी होगा, शेर भी हो सकता है क्योंकि शेर के भी चार पैर होते हैं। वेरी गुड बेटा। जिस्म का तेरे ही तो साया है वो, मतलब जिस्म का तेरे साया है वो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। उसका मालिक उसे समझा रहा है
और कह रहा है कि तुझे कुछ कोई बात नहीं डरने की, जिस्म का साया है, कुछ दरिंदा यानी कोई दरिंदा नहीं है जिसको तू देख के डर रहा है मतलब, और ना चौपाया है वो, चौपाया यानी चार पैर वाले कोई भी जानवर हो, चाहे वो आप लोगों ने कहा शेर, बिल्ली और कौन कौन से होते हैं चार पैर वाले जानवर, हाथी जो चार पैर रखते हैं, चौपाया मतलब चार पैर, हाँ घोड़ा, वेरी गुड। तो ये वही कह रहा है जिस्म का, हाँ जिराफ, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड ज़ेब्रा, हाँ 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 मिसाल के तौर पे है बच्चों, वेरी गुड, आप लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन बस इतना कहना है चौपाया मतलब चार पैर वाले जानवर। हाँ लीना, जिस्म का तेरे ही तो साया है वो, कुछ दरिंदा। जिस्म रखता है ना इसके जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है, मतलब जो साया है ना वो जिस्म रखता है और ना जान रखता है, वो तो एक सिर्फ साया है ना उसकी। अच्छा आप लोग देखेंगे जब आप बाहर निकलते हैं तो आप लोगों का साया होता है, तो वो उसके अंदर कोई जान होती है बच्चों, कोई जान होती है नहीं होती है जान, क्योंकि वो तो हमारा ही साया है। तो उसका मालिक कह रहा है जिस्म रखता है ना इसके जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है, मतलब तू डरपोक है, तू डरता है अपने साये से, नादान यानी के ना समझ, मतलब जो समझ में नहीं आ रहा है तुझे, तो मालिक कह रहा है जिस्म रखता है ना इसके जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है, मतलब तू डरपोक भी है और नादान भी है, तू डरपोक भी है नादान भी है। तो वही कह रहा है मालिक, जो साया है ना जिस्म रखता है और ना जान रखता है, तू डरपोक है मतलब तू सिर्फ डरते ही रहता है अपने साये से और ना समझ है। अब देखो घोड़ा जवाब दे रहा है, हाँ यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, यूं दिया, देखो घोड़ा मालिक को जवाब दे रहा है, पहले मालिक ने बताया घोड़े को कि तुम किस चीज से डरते हो, तुम नादान हो, तुम डरपोक हो, अब घोड़ा कह रहा है अपने मालिक से, यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब, घोड़ा जवाब दे रहा है मालिक को, मालिक को जवाब दे रहा है कि सच कहा, मतलब मैं डरता हूँ, मैं अपने साये से डरता हूँ, लेकिन उसके आगे देखो घोड़ा क्या कहता है, आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं, अनहुई बातों का जिसको है यकीन, यानी आदमी से बढ़कर मैं वहमी, वहमी का मतलब होता है बच्चों जो वहम करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई कोई ऐसे होते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दी तो वो जाएंगे नहीं आगे, जबकि ऐसा हमें वहम नहीं करना चाहिए, जो करते हैं हमारे अल्लाह ताला करते हैं और जो होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा। तो कितने लोगों का क्या वहम होता है, क्या आदमी का क्या वहम होता है, बिल्ली ने रास्ता काट दी, अगर शीशा टूट गया तो वो भी मतलब कुछ काम करने जाते हैं तो नहीं करते, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो घोड़ा कह रहा है आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं, मतलब मैं तो आदमी से बढ़कर तो वहमी नहीं हूँ, आदमी तो बहुत सारी चीजों पे वहम करते हैं, जैसा बिल्ली ने रास्ता काट दी है या शीशा टूट गया है, और कितने लोग ऐसा समझते हैं कि 13 नंबर अनलक्की होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जो करते हैं अल्लाह करते हैं, अल्लाह ताला करते हैं, और जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। अनहुई बातों का जिसको है यकीन, यानी जो बात होती नहीं है, मिसाल के तौर पे कुछ बात ऐसा हम रहते हैं घर में रहते वो बात है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होते हैं हम डरते हैं उस बात से। तो घोड़ा कह रहा है उसके मालिक को अनहुई, जो ना होने वाली बात हो, मतलब कुछ जो बात नहीं होती है फिर भी उस पे डरते हैं हम, मतलब आदमी उस पे डरता है। तो वही कह रहा है घोड़ा, आदमी से बढ़कर मैं वहमी नहीं,
अनहुई बातों का जिसको है यकीन। हाँ, भूत से डरना भी कोई बात है, मतलब भूत से भी कोई डर सकता है क्या बच्चों? आप लोग डरते हैं भूत से? भूत से डरते हैं? भूत वगैरह कुछ होता नहीं है बच्चों, सिर्फ ये हमारा वहम है। क्या ही वहमी आदमी की जात है। अच्छा, वहमी का मतलब जरा मुझे बताएंगे, कौन कोई बताएगा वहमी का मतलब? मैंने अभी आप लोगों को बताया था, वहमी का मतलब बताया था मैंने आप लोगों को। वहमी का मतलब काटते रास्ते में लोग आगे नहीं जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मतलब वहम, वहम वहम करते हैं, मतलब के वहम करते हैं हम कोई भी बात के लिए, वहम करते हैं डरते हैं, यानी डरते हैं हम कुछ भी बात करने से पहले क्या करते हैं, डर जाते हैं। बिल्ली ने रास्ता काट दी, शीशा टूट गया, तो वही कह रहा है घोड़ा, भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की जात है। मतलब आदमी की जात सबसे ज्यादा वहमी है। साया तो आंखों से आता है नजर। अभी अगर हम चलते हैं तो हमारा साया दिखता है ना हमें, आंखों से नजर आता है। जब हम चलते हैं तो हमारा साया भी हमारे साथ साथ चलता है। तो घोड़ा कह रहा है साया तो आंखों से नजर आता है, क्या अजब है जो हुआ मुझ पे असर। यानी अगर मैं डरा भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि साया तो मुझे आंखों से दिख रहा है। लेकिन इंसान के साथ कौन कौन जो बातें नहीं होती है, फिर भी इंसान डर जाता है। इसलिए घोड़ा अपने मालिक से कह रहा है साया तो आंखों से नजर आता है। तो मैं इसमें डर गया तो इसमें कोई बात कुछ मतलब कुछ ऐसा कोई खास बात नहीं है कि मैं साया को देख के डर गया। तो साया तो आंखों से आता है नजर, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए फिर मिजाज। मतलब पहले अपने दुख का, जो हमारा दुख है वहमी है। अच्छा, आदमी क्या क्या है बच्चों? घोड़े ने आदमी को क्या 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 लफ्ज से पुकारा है, कौन बताएगा? घोड़े ने आदमी को कौन सा लफ्ज दिया है? हाँ, वहमी दिया है, डरपोक दिया, मतलब ना वो अनहुई बातों पर यकीन करते हैं, वहम करते हैं, डरपोक। हाँ, तो वही कह रहा है घोड़ा, अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। पहले अपने दुख का, जो तुम्हारा दुख है वहम करते हैं, जो अनहुई बातें, जो बात नहीं होती है उस पर भी आप लोग यकीन कर लेते हैं, पहले अपने दुख का इलाज कीजिए। देखो घोड़ा देख कह रहा है, घोड़ा क्या कर रहा है, कह रहा है अपने मालिक से कि अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। बच्चों, आप लोगों ने जो नज़म सुने हैं अभी, तो नज़म में क्या होता है, नए नए अल्फाज आते हैं, तो वो अल्फाज मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ, आप लोग मुझे पढ़कर दिखाएंगे। हाँ, पहला अल्फाज कौन पढ़ेगा? पहला लफ्ज कौन पढ़ेगा? हाँ, वेरी गुड, साया। आप लोग को बहुत होशियार है साया। साये का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, साया हम जब चलते हैं दोपहर से सूरज जैसा, शैडो, परछाई। वेरी गुड, इंग्लिश में इसे हिंदी में परछाई कहते हैं। आप लोग तो बहुत होशियार है, और इंग्लिश में शैडो कहते हैं उसे। वेरी गुड, शाबाश। अब दूसरा लफ्ज कौन सा है? दरिंदा। हाँ, वेरी गुड। इन लफ्जों को ध्यान में रखो, किस तरह लिखे गए हैं। अगर आपके घर में कोई भाई बहन है या अम्मी है, कोई अम्मी पढ़ी लिखी है, तो उन्हें आप लोग इमला लेने के लिए भी कह सकते हैं। इससे आप लोगों की इमला नवेसी भी दुरुस्त होगी। तीसरा लफ्ज कौन सा है? चौथा लफ्ज कौन सा है? नादान। नादान, 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 न
हाँ, और फिर उसके बाद वाला लफ्ज कौन सा है? चौपाया। हाँ, वैसे चौपाया, चौपाया मतलब चार पैर वाले कोई भी जानवर। हाँ, उसके बाद वेरी गुड, घोड़े, घोड़े, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ा आप लोगों ने। लेकिन जो बच्चे जिन्हें थोड़ा बहुत उर्दू पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एक बार मैं उन लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ, फिर मुझे कोई एक बच्चा पूरे अल्फाज पढ़कर सुनाएगा। हाँ, पहला है साया, दरिंदा, अहमक, नादान, नादान, चौपाया, डरपोक, घोड़े, वहमी। हाँ, अभी मैंने आप लोगों को, हाँ अब, हाँ अब एक पढ़ेंगे कोई भी। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो। वेरी गुड, शाबाश, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े। आप लोगों की उर्दू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह आप लोग बहुत तरक्की करेंगे। और बच्चों, ये जो लफ्ज दिए जाते हैं, अगर आप लोग है ना उसका इमला ले, इमला कोई अपने बड़े भाई है, बहन है, या अम्मी है, या अब्बा है, किसी से भी कहेंगे मेरा इमला लीजिए, तो आप लोगों का, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, लेना ही चाहिए, क्योंकि अभी हमारा क्या कौन सा पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन का। नहीं तो स्कूल होती है तो हम टीचर्स लेते हैं इमला बच्चों का, तो इससे उनकी इमला नवेसी ठीक दुरुस्त होती है। लेकिन अब आप लोग घर पर बैठे हैं तो हमें पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आना बहुत जरूरी है। पढ़ने तो आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं उर्दू, लेकिन इसके साथ आप लोगों को लिखने भी आना जरूरी है। इसलिए आप लोग डेली 5 लफ्ज 10 लफ्ज ऐसा, हाँ हाँ बेटा पढ़ो, नादान, हाँ वेरी गुड, हाँ नादान, चौपाया, डरपोक, घोड़े, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, खान जिक्रा के लिए जोर से ताली बजाएंगे अपने घर में। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चलो मैं पढ़ूंगी। हाँ ठीक है, अभी एक लास्ट था, एक लास्ट पढ़ने दे रही हूँ, चलो ठीक है पढ़ो, चलो। वहमी, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। हाँ चलो, अभी नेक्स्ट स्लाइड हमारी। आप ये देखो कितना प्यारा बच्चा है, जिस तरह आप प्यारे हैं, आप भी कितने प्यारे प्यारे हैं, उसी तरह से ये बच्चा भी बहुत प्यारा है। अभी हम इस नज़म में जो अल्फाज मानी हो चुके हैं, अल्फाज मानी आए हैं, उसको हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कौन पढ़कर दिखाएगा मुझे। और ये बच्चा किस तरह है, आप लोगों की तरह है ना, बहुत प्यारा प्यारा। बिदकना, जब घोड़ा डरता है तब वो बिदकता है, मतलब ऐसा थोड़ा उछाली मारता है। देखो तस्वीर में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो थोड़ा सा क्या करता है, उछाली मारता है, डरता है, और अपनी आंखें भी बड़ी बड़ी करता है। देखो दिख रहा है आप लोगों को तस्वीर में, उसकी आंखें भी जरा बड़ी बड़ी है, वो अपने साए को देख के डर रहा है। बिदकना मतलब डरना, बिदकना के माने क्या होते हैं? अच्छा ठीक है, बिदकना के माने क्या होते हैं? डरना, डरना, वेरी गुड, डकना, बिदकना। देखो किस तरह लिखा हुआ है और डरना किस तरह लिखा हुआ है, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बिदकना, डरना, घोड़ा। हाँ, अब उसके बाद है अनहुई।
अनहुई मतलब जो ना हुई हो, जो ना हुई हो, अनहुई के मानी होते हैं जो बात नहीं होती है फिर भी हम उसको देख के डर जाते हैं, है ना। हाँ, अनहुई के मानी होते हैं जो ना हुई हो, अनहुई यानी जो ना हुई हो। हाँ, अब अनहुए के मानी मुझे जरा बताओ। अनहुई जो ना हुई हो, जो ना हुई हो मतलब जो बात, हाँ, जो ना हुई हो यानी जो बात नहीं हुई है, हाँ, उसको लेकर हम डर जाते हैं वो होती है अनहुई। वहमी, वहमी यानी वहम करने वाला, वहम करने वाला, डरने वाला, यहाँ यहाँ मुराद है डरने वाला। वहमी रहते हैं ना, हाँ, कितने लोग वहमी होते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दी, शीशा टूट गया, यही मुराद करने वाला। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। यानी कितने लोग होते हैं वहमी होते हैं, शीशा टूट गया तो वो अपना जो काम करने वाले हैं वो नहीं करेंगे, या फिर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो जो काम करने जा रहे थे वो नहीं करेंगे, या फिर ऐसा होता है कि कितने लोग तो ऐसा रहता है कि 13 तारीख रहती है, 13 तारीख के टाइम पे भी कोई काम नहीं करते, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, और जो जो करते हैं हमारे अल्लाह ताला करते हैं, और उन्हीं की मर्जी से हर चीज होती है, हमें वहमी नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर वहमी का मतमानी है वहम करने वाला, यानी मुराद डरने वाला, वहम करने वाला, मिजाज पूछना, हालत पूछना, हालत पूछना। अगर हम बहुत दिनों के बाद अपनी सहेली से या दोस्त से मिलते हैं तो उसकी मिजाज पूछते हैं ना, yes, मतलब उसकी हालत पूछते हैं, तुम कैसी हो, क्या पूछते हैं हम, तुम कैसी हो, कौन बताएगा हो, अगर मिल गई है, हाँ, कैसी हो, मतलब तुम्हारी तबीयत वगैरह तो ठीक है, खुश हो के नहीं हो, मतलब वो मिजाज पूछते हैं हम, तो मिजाज पूछना यानी के हालत पूछना, मिजाज पूछना यानी के हालत, हालत पूछना। वेरी गुड, वेरी गुड। अब है हम काफिया लफ्ज। हम काफिया मतलब के एक जैसी आवाज वाले लफ्ज, एक जैसी आवाज वाले। नज़म में ज्यादातर, हाँ हाँ, नज़म में क्या होता है बच्चों, ज्यादातर हम काफिया लफ्ज होते हैं। हम काफिया लफ्ज को इंग्लिश में कहते हैं राइमिंग वर्ड। अगर हम राइमिंग वर्ड या हम काफिया लफ्ज नहीं लेंगे तो नज़म का जो तरन्नुम है, रिदम है, वो बैठता नहीं है। इसलिए हर हर नज़म में हम काफिया या हम मतलब एक जैसी आवाज वाले लफ्ज होना होते ही है, ताकि वो रिदम बैठे। इसके लिए हम काफिया लफ्ज को क्या कहते हैं इंग्लिश में, राइमिंग वर्ड। क्या कहते हैं बच्चों, राइमिंग वर्ड। तो उसी तरह उर्दू में भी होते हैं राइमिंग वर्ड, यानी हम काफिया लफ्ज एक जैसी आवाज वाले लफ्ज, मतलब लिखने में अलग अलग है लेकिन उनकी आवाज एक जैसी होती है, मतलब उसका लिखने का उर्दू लिखना अलग है। तो ये है पहले नज़म में साया चौपाया। हाँ, साया चौपाया, बच्चों रुको, हाँ, जान नादान, बाज़ार, नजर, असर, इलाज, मिजाज। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन आप लोग, ये आप लोगों ने एक बात नोट की है, किसी ने कोई बताएगा मुझे साया और चौपाया में क्या मतलब एक जैसा है, कौन बताएगा? वेरी गुड, दोनों में या सेम सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है, हम काफिया लफ्ज है। ये क्या है, काफिया यानी एक जैसी आवाज वाले लफ्ज है। तरीका दोनों का अलग अलग होता है लेकिन लास्ट में जो लफ्ज होता है वो एक जैसा होता है, मतलब मिलता जुलता होता है। साया चौपाया, साया चौपाया, जान और नादान,
जान और नादान में, अच्छा बच्चों जान और नादान में क्या क्या एक जैसा है? जान में भी नून है और नादान में भी नून है। नून नून गुन्ना में फर्क होता है। नून गुन्ना में नून का नुक्ता नहीं होता, उसको कहते हैं नून गुन्ना, लेकिन यहाँ पर नून है यानी जान फिर नादान क्या है? नून। हाँ नून जान और नादान इसमें मतलब एक जैसा। हम क्या हो रहा है? हाँ नून हो रहा है। बात और जान बात लास्ट का जो लफ्ज होता है वर्ड होता है वो ते 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 बात और जात। बात और जात लास्ट का जो लफ्ज है वो एक जैसा है। नजर और असर, नजर और असर में क्या एक जैसा है बच्चों? नजर में भी रहा है और असर में भी रहा है। हाँ हाँ नजर और असर में भी रहा है। वेरी गुड शाबाश। इलाज मिजाज इलाज में भी जीम है, मिजाज में भी जीम है। जीम दोनों में, इलाज में भी जीम है, मिजाज में भी जीम है। अच्छा मुझे पूरा एक साथ कौन पढ़कर दिखाएगा? एक साथ हाँ बताइए बताइए। पढ़ो पढ़ो बच्चों। हाँ पढ़ो पढ़ो। वेरी गुड। आप लोगों ने पढ़ा अच्छा, लेकिन ऐसा लगा नहीं, आप लोगों को ऐसा लगा नहीं दो तीन लोग एक साथ पढ़ रहे थे? मतलब जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो उन लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए ना कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। उसमें क्या हो रहा था, थोड़ा आगे पीछे से एक एक बच्चा पढ़ेगा, सिर्फ एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चा। हाँ सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक बच्चा। हाँ खाली दो बच्चे पढ़ रहे हैं, दो बच्चे पढ़ रहे जान नादान बात बात नजर असर इलाज मिजाज। हाँ वेरी गुड शाबाश। अब मैं पढ़कर दिखा रही हूँ, आप लोग खाली गौर से सुनेंगे। बच्चों आप लोगों को आता है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग की उर्दू बहुत अच्छी है। मैं आप लोग से बहुत बहुत मतलब खुश हूँ कि आप लोग उर्दू बहुत अच्छी पढ़े। लेकिन बच्चों अपने अपनी क्लास में कैसा, हमारे हाथ में पांच उंगलियां होती है ना, पांच उंगलियां होती है, हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। चाहे वो छोटी उंगली होती है तो क्या हम उसे छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। तो इसके लिए सबको हमें एक साथ लेके चलना है। तो बच्चों जिनको नहीं आता है, थोड़ा अटक अटक के पढ़ते हैं, तो मैं सोच रही थी एक कोई पढ़े, तो अब तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, मैं एक बार पढ़कर दिखाती हूँ। साया चौपाया, साया चौपाया, जान नादान, बात जात जात, नजर असर, इलाज मिजाज। हाँ वेरी, मतलब अभी आप लोगों ने देखा जो बच्चे थोड़ा अटक के पढ़ते हैं उन लोगों को भी सुनने का मौका मिलना चाहिए। आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन कैसे साथ में पढ़ रहे हैं ना, तो लोगों को शायद से समझ में नहीं आ रहा होगा। अब है बच्चों कौन बनेगा बीरबल अभी? हाँ वैसा तो हम सबका हाथ, हाँ हर किसी को अनम्यूट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोगों ने गूगल फॉर्म बनाया है ताकि हर बच्चा उस गूगल फॉर्म को भर सके। जवाब तो कुछ बच्चे ही देते हैं और सब बच्चे को भी आता है, लेकिन हम अभी कैसे सबको अनम्यूट नहीं कर सकते। कुछ बच्चों को अनम्यूट करते हैं, कुछ को म्यूट करते हैं, ऐसा होता है। तो लेकिन ये गूगल फॉर्म की मदद से क्या होता है, हर बच्चा इस गूगल फॉर्म को भरने की कोशिश करता है तो अच्छा होता है, लोगों का मतलब ऐदा हो जाता है। इसको 10 में से 10 मार्क्स मिले हैं तो उसे पता चल जाता है कि हम मतलब कितने लोग कितना कर सकते हैं। तो इसलिए कौन बनेगा बीरबल,
तो ये जो लिंक है मैं चैट बॉक्स में डालूंगी, आप लोग उसे फील करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, फील करेंगे। लेकिन लेकिन बच्चों आप लोगों से एक बात से मैं माजरत चाहती हूँ, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आप लोगों को, सिर्फ मार्क्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों? सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सर्टिफिकेट का इशू हो रहा था, इसके लिए वो बराबर से बन नहीं रहा था। इसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ कि सर्टिफिकेट तो नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में जरूर आप लोगों को दूंगी। इसलिए सिर्फ मार्क्स, ये जो लिंक है ये मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में डालती हूँ। मैंने आप लोगों को चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग अभी से लाइन से मतलब ओपन कर करके सॉल्व करिए, सवाल को अच्छे से पढ़िए, उसका जवाब दीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं। ये मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देती हूँ, उसमें आप लोगों को करना है। सब कर रहे हैं ना? मीन्स अभी हो आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग को अगर पूछना है कोई सवाल तो आप लोग पूछ सकते हैं, और जिसका हो गया है अपना रेज हैंड कर देंगे, या फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिए डन, डन भी लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप लोगों का हो गया। जी मिस, जी बेटा बोलिए जी, बोल। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जिसको 10 में से 10 मिला है इसका मतलब, हाँ जी मिस बोलिए बेटा, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? लेकिन मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला टीचर। बेटा मैंने आप लोगों को कहा था ना, थोड़ा सर्टिफिकेट का इशू है, नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह मैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा मतलब आपका इशू हो गया था वो हिसाब से, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से मैं जरूर आप लोगों को बना कर दूंगी। ओके आपका हो गया, मेज मेरा दस आया, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग जवाब देते हैं, या कुछ गूगल फॉर्म में 10 में से 10 मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे भी इंशाल्लाह कुछ जरूर करेंगे अपनी लाइफ। अब हम घर पर बैठे हैं, लॉकडाउन का पीरियड है, ऐसा तो आप लोगों को है बहुत काम, मतलब आप लोग ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं, फिर आप लोग जो भी आप लोग को काम दिया जाता है वो करते हैं, और फिर उसके बाद में अपनी अम्मी की थोड़ी मदद करते होंगे घर में है तो अब घर बैठे क्या करें, तो होमवर्क भी बहुत जरूरी होता है। होमवर्क भी क्या होता है बच्चों? बहुत जरूरी होता है। हाँ, तो होमवर्क क्या है आप लोगों का? जिन मिस्रों में एक जैसी आवाज वाले लफ्ज इस्तेमाल हुए है वो मिसरे लिखिए। मैंने आप लोगों को बताया था एक जैसी आवाज यानी हम काफिया वाले। अब मैं मिसाल एक पढ़कर दिखा रही हूँ, एक मिसरा पढ़कर दिखा रही हूँ। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा है, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब। देखो इस मिसरे में जवाब और जनाब दो हम काफिया लफ्ज आए, अल्फाज आए हुए हैं, एक जैसी वाले अल्फाज आए हुए हैं, तो
मतलब इन मिसरों को आप लोगों को लिखना है, अल्फाज को नहीं लिखना है। जिस तरह मैंने आप लोगों को अल्फाज बताए थे, साया चौपाया, उस तरह से खाली अल्फाज नहीं लिखना है, पूरा मिसरा लिखना है। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना मिसाल पढ़कर, यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जवाब जनाब, मतलब ये पूरा मिसरा लिखना है, सिर्फ जवाब और जनाब नहीं लिखना है, पूरा मिसरा लिखना है। मैं एक बार और पढ़कर दिखा रही हूँ। जिन मिसरों में एक जैसी आवाज वाले लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं वो मिसरे लिखिए, लिखिए मतलब वो मिसरे लिखना है, लफ्ज नहीं लिखना है। मैं ये बात को मेंशन कर रही हूँ, तो आप लोग लफ्ज लिख लेंगे, यहाँ लफ्ज लिख लिए, लेकिन लफ्ज नहीं लिखना है, मिसरा लिखना है। और आप लोगों को इस नज़म को जबानी भी याद करना है बच्चों। आप घर ऐसा नहीं कि आप स्कूल में नहीं है तो उसे याद नहीं करेंगे, घर पे भी है तो उस नज़म को, हर नज़म को याद करो, किताब की हमें हर नज़म याद होनी चाहिए जबानी। चलो फिर, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और शगुफ्ता मिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप लोगों के जवाबात की वजह से मेरा लेसन कामयाब हुआ। हाँ, आप लोग जवाब बहुत अच्छे देते हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा बनेंगे, है ना, इंशाल्लाह कहो इंशाल्लाह। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप लोगों की जवाबात की वजह से ही मेरा लेसन आज कामयाब हुआ है, और मुझे भी पढ़ाने के लिए अच्छा लगता है जब आप लोग जवाब देते हैं, क्योंकि टीचिंग का मतलब होता है एक दूसरे से मतलब थोड़ा कनेक्शन होना चाहिए, तब जाके टीचिंग सक्सेसफुल होती है ना बच्चों। yes, चलो फिर अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम।